नमस्कार, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, बहुत सारे हमारे YouTube चैनल पे, Instagram में, Facebook पेज में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। और से भी हमारे बच्चे भी हमसे पूछते रहते कि सर, ये जो चॉकलेट होती है ना, इसको खाने से क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, जब हम मैराथन वगैरह करते थे ना, तो हम लोग भी चॉकलेट का यूज करते, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि चॉकलेट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, चॉकलेट खाने से आपको क्या क्या मिलेगा और क्या क्या किन किन चीज़ों को दूर करता है। तो दोस्तों, चॉकलेट खाने से क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को, जैसे चॉकलेट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चॉकलेट किसको, वो कौन सी चॉकलेट आपको 10 रुपये, 15 वाली, 20 रुपये, 25 वाली, जैसी भी कौन सी खानी है, चॉकलेट कौन सी कंपनी की, ये मायने नहीं रखता। लेकिन चॉकलेट खानी है और किस तरह, कब सब खानी है, कौन से समय में खानी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चॉकलेट खाने यानी खाना चाहते हैं, तो रनिंग के पहले आपको खाना है, रनिंग के 10-15 मिनट पहले खाना है। तो ये करता क्या है, चॉकलेट के फ़ायदे क्या होते हैं। जो चॉकलेट के जो फ़ायदे होते हैं, तो सबसे पहले तो ये आपके तनाव को कम करता है, ठीक है। जो आपका मांसपेशियाँ यानी तनाव, इसमें से ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो आप खुद अपने नेट पे पढ़ लीजिए। तो ये आपके तनाव को कम करेगा, तो जब आप रनिंग करेंगे ना, तो आप बिल्कुल अपने आप को कम्फर्टेबल महसूस करेंगे। इसके बाद यानी जो आपके दिल धड़कन वाली समस्या होती है ना, जो आपका हार्ट जो प्रेशर करता है, बहुत ज़्यादा करता है, ये इसको थोड़ा कंट्रोल करता है, तो वहाँ पर आपको पेन वगैरह नहीं होने देता। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों से, इस चॉकलेट को खाने से आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। अभी जो तीसरा पॉइंट है, तो वो क्या है कि इसमें से आपका जो दिमागी संतुलन है ना, खाने के बाद आपको ऐसा फील होता है अच्छा सा, क्योंकि जब आपको अंदर से मीठा लगता है, तो आपका जो दिमाग है ना, वो थोड़ा, जो मूड जिसको बोलते हैं ना, वो थोड़ा अच्छा रहता है। जब अच्छा रहता है, तो आप रनिंग करते समय किसी भी चीज़ों को सोचते नहीं हैं, अच्छे से रनिंग करते हैं। और एक चीज़ याद रखो कि अगर आपका मूड अच्छा है, तो आप रनिंग भी अच्छा करेंगे, आपको दर्द वगैरह महसूस नहीं होगा, ठीक है। अब जो चौथा कारण है, वो आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो इसको सही रखता है। जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये उसको बिल्कुल कंट्रोल में रखता है, सही रखता है। और जो पाँचवा पॉइंट है, वो क्या है कि ये आपके जो बॉडी का पेन होता है ना, इसको खाने के बाद आपके जो बॉडी में पेन होता है, वो बहुत कम कर देता है। तो लॉन्ग रेसर जितने भी होते हैं ना, वो चॉकलेट वगैरह ज़रूर खा के दौड़ते हैं। अब जो 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो फ़ायदा करेगा, थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन जो मैराथन वगैरह करते हैं, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वगैरह करते हैं, तो वो आपके दर्द को कम करेगा। और जो अगला पॉइंट है, वो आपको जैसे रनिंग के दौरान खांसी वगैरह आने लगती है ना, और यहाँ पे जो गला वगैरह सूखने लगता है, उसको सही करता है। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट हैं इस चॉकलेट के। तो चॉकलेट खाने की ये सारी चीज़ें आपको मायने रखती है कि आप इन चॉकलेट से क्या क्या फ़ायदा होता है। तो अगर आप चाहते भी हैं ना, और एक चीज़ दोस्तों मैं लास्ट में बताना चाहूँगा, जब अगर यहाँ पे विल पावर है और यहाँ पे क्षमता है, पैरों में जान है, तो चॉकलेट क्या, कॉफ़ी क्या, कोई भी फायदा नहीं करेगा। आप यूँ निकल जाओगे, पड़े रहेंगे इंजेक्शन लगाने वाले, टेबलेट खाने वाले और चॉकलेट खाने वाले। तो अंदर की बात बता रहा हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा अपने मेहनत पे फोकस करो और अपने टारगेट को रखो। और जितना ज़्यादा आप ड्रिल एक्सरसाइज, हार्ड वर्क, तो जब आप वर्कआउट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड मेहनत करेंगे, तो आपकी टाइमिंग बिल्कुल कम होगी यार, आपको इंजेक्शन टेबलेट खाने की क्या ज़रूरत है। और एक चीज़ याद रखो, बहुत सारे बंदे जब रनिंग करते हैं ना, टेबलेट का यूज करते हैं जब पेन होता है। मैं यार एक बात बता दूँ आपको ना, अभी आप जब टेबलेट यूज करते हैं ना, तो बहुत सारे नुकसान है उसके। दर्द को सहना सीखो, और दर्द के साथ ही आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। और थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, टेबलेट खाओगे, फिर जब करोगे फिर दर्द होगा। तो इन चीज़ों का ज़्यादा सहारा मत लो, अगर लेना है तो थोड़ा बहुत लो, लेकिन अपने विल पावर यानी अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी 1600 मीटर की टाइमिंग 4:40, 4:50, 5 मिनट, 5:10, 5:15 तक आएगी और आप इंडियन आर्मी रेस क्वालिफाई हो जाएंगे। तो फालतू की चीज़ों पर परेशान मत हो यार, इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन मत करो, थोड़ा बहुत कर लो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा रखो। तो मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, अगली बार फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।